मैं पवन कुमार। इस अब क्वेश्चन सीरीज में हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक धातु के आयताकार ब्लॉक का माप क्रमशः 21 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। उस ब्लॉक को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो इस प्रश्न में हमें सबसे पहले समझना क्या है कि एक आयताकार ब्लॉक ये क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम यह है। और फिर दूसरा है इसमें गोला, ये क्या होता है, और पिघलाकर, यहां पिघला रहा अगला, तो पिघलाकर यहां, इन तीन शब्दों को हम यह समझेंगे, आयताकार ब्लॉक, फिर यहां गोला और पिघलाकर। पिघलाकर का मतलब यह है कि आयतन से संबंध है, यहां पिघलाने का मतलब है आयतन से संबंध। तो आयताकार ब्लॉक यहां एक घनाभ होगा, आयताकार ब्लॉक जो है यह एक घनाभ होगा, और फिर गोला है, गोला एक गेंद के जैसे है। अब यहां पिघला कर, तो यहां हमें आयतन से संबंधित है। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक आयताकार ब्लॉक अर्थात घनाभ को पिघलाकर गोला बनाया जाता है। तो हमेशा दो ठोस वस्तुएं होती हैं, उन ठोस वस्तुओं को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अगर डाला जाता है तो उस वस्तु का आयतन कभी भी नहीं बदलता है। अर्थात यहां हम देखेंगे कि घनाभ जो है वो चेंज होके किस में हो गया, बदल गया, गोले में बदल गया, तो दोनों का आयतन आपस में होगा बराबर। अब हमें यहां आयतन का सूत्र हमें पता होना चाहिए कि आयतन का सूत्र क्या है। तो जो घनाभ है उसका आयतन का सूत्र जो होता है बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और गोले का जो आयतन है उसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां आर गोले की त्रिज्या है। अब ये दोनों का जो आयतन है वो हमेशा कभी भी नहीं बदलेगा। अब यहां क्या पूछ क्या रहा है कि उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, अर्थात ये जो घनाभ का आयतन है और गोले का आयतन कभी भी बदलेगा नहीं, दोनों को आयतन को बराबर करके इनके सूत्रों को आपस में बराबर कर लेंगे, और यहां पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो हमें दे रखी है उनके हम माप रख देंगे, और माप रखने के बाद में हम यहां से आर का मान निकाल लेंगे। तो यहां क्या होगा प्रश्नानुसार कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। लंबाई हमारे पास कितना है 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारे पास कितना है 77 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमारे पास कितना है 24 सेंटीमीटर। 4/3 पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 और आर क्यूब ऐसा का ऐसा। अब देखो हमें आर का मान निकालना है, तो इस आर को पक्षांतरण कर लो, तो आर क्यूब बराबर 21 इंटू 77 इंटू 24 इंटू 3/4 इंटू 7/22। अब देखो यहां पर काट देंगे 11 से, और ये 7 टाइम, और ये 4 दुनी 8 और 8 3 24, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई आर क्यूब बराबर 21 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब यहां से देखिए हमें यहां घनमूल निकालना है, तो r की वैल्यू हमारे पास आएगी पूरी राशि की घनमूल, तो 7 21, 1 2 3 7 है, तो 7 और 3 ये हमारे पास कितना जाएगा 21 आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन क्रम से एच सी तथा वी हो, तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है 3π v h³ - c² h² + 9v² का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां हमें समझना क्या है कि लंबवर्ती शंकु उसकी ऊंचाई क्या होती है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, और आयतन क्या होता है, हमें यह समझना है, और उनके मान को इस समीकरण में हमें रखना है और हमें मान निकालना है। ऑप्शन हमारे पास है 2, -1, 1 और 0। तो देखो सबसे पहले जो लंबवर्तीय शंकु है, यह अपना शंकु होता है,
और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये सीधी h और ये हमारे पास r। तो हमें यहाँ ऊंचाई h दे रखी है, ये रहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसका प्रतीक हमें c दे रखा है और आयतन का प्रतीक हमें v दे रखा है। तो देखो यहाँ हमारे पास क्या होगा कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र होता है हमारे पास पाई आर एल, और आयतन का सूत्र होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहां पर देखना, यहां इस इक्वेशन में हमारे पास एल का कोई भी जिक्र नहीं है, तो एल को हमें यहां क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो हमें पता है कि एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको हमें सी से दिखा रहा है और आयतन को हमें वी से दिखा रहा है, तो इस इक्वेशन में हमें ये सारे मान रखने हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3πv h³ - c²h² + 9v²। तो हमारे पास 3πv ऐसा कैसा, तो v हमारे पास कितना है 1/3πr² h, और एच क्यूब हमारे पास ऐसा का ऐसा माइनस c² की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो पाई आर एल और एच स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और प्लस 9v² तो 9v² हमारे पास 1/3πr² h का होल स्क्वायर यहां पर हमारे पास हो जाएगा। अब यहां देखना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आया यहाँ पर पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर एच की पावर 4 माइनस, अब पाई आर एल, एल की वैल्यू हमें रखनी है या एल की वैल्यू रखनी है, तो पाई आर एल की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का रूट और का होल स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1/9πr² आर की पावर 4 और एच स्क्वायर, 1/9 से 1/9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ इसको सोल्व कर लो पहले, तो पाई आर स्क्वायर एच की पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और एच स्क्वायर ऐसा कैसा आ जाएगा हमारे पास, और प्लस हमारे पास आ गया पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एच स्क्वायर। अब देखो आगे इसको हम सोल्व करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच की पावर 4 माइनस हमारे पास एच स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एच स्क्वायर। देखो हमारे पास ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4 तो हमारे पास कैंसिल हो गया इससे, और पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर कैंसिल हो गया इससे, हमारे पास वैल्यू कितनी आई 0, और आंसर कौन सा हुआ हमारे पास d = 0।